अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक नई रेसिपी। इंस्टा मिर्ची का अचार, ये बहुत ही टेस्टी वाला जवाब बनता है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है, खट्टा तीखा। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। हम यहाँ पर देख लेंगे इंग्रेडिएंट्स। हमने यहाँ पर 200 से 250 ग्राम हरी मिर्ची ले ली है। इसे अच्छे से धुल लेना है, इसे एक घंटा पहले धुल लेना है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहने देना है, नहीं तो मिर्ची का अचार जल्द ख़राब हो जाएगा। और मिर्ची को हमने दो हिस्सों में कट कर लिया है, ये देखिए। इस बात का ध्यान दें कि हरी मिर्ची में बिल्कुल भी पानी ना रहे, हरी मिर्ची एकदम सूखी रहे। यहाँ पर हम ले लेंगे एक छोटा चम्मच भर का जीरा, डेढ़ छोटा चम्मच हमें सौंफ ले लेना है, डेढ़ छोटा चम्मच हमें साबुत धनिया ले लेना है। यहाँ पर हम ले लेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब राई, हमने राई ज़्यादा नहीं लिया है, सिर्फ आधा छोटा चम्मच लिया है। यहाँ पर हमने ले लिया है एक अखा नींबू का रस। अगर मिर्चें आप कम ज़्यादा करते हैं तो उस हिसाब से नींबू का भी रस ले लें। हमने यहाँ पे 250 ग्राम के लिए एक छोटा नींबू लिया है। आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, एक चौथाई चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच सादा नमक, आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लें। आधा छोटा चम्मच हमें कलौंजी ले लेना है। यहाँ पर हमने 15 से 20 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं। आप चाहें तो और भी ले सकते हैं, हमने थोड़ा ही लिया है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने एक बर्तन गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें डाल देंगे हमने जो साबुत मसाले लिए थे, उसे हमें ड्राई रोस्ट करना है स्लो आंच पर। धनिया, जीरा और सौंफ को हमें स्लो आंच पर भून लेना है, हल्का सा खुशबू आने तक का। तेज़ आँच पर ना भुने, स्लो ही आँच पर। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें नई नई रेसिपी के लिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारे धनिया, जीरा, सौंफ वगैरह का कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पर हम गैस बंद कर देंगे और इसे हम पीस लेंगे मिक्सी के जार में डालकर। ये बहुत ही टेस्टी और मज़े का अचार बनता है। देखिए, हमने मिक्सी के जार में डाल लिया है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हमने जो आधा छोटा चम्मच राई लिया था, उसे डाल देना है। और इन मसालों को हमें मोटा मोटा पीसना है, बारीक नहीं पीसना है। अचार का मसाला थोड़ा मोटा ही रहता है, दरदरा रहता है। ये देखिए, हमने यहाँ पे पीस लिया, हल्का हमने मोटा ही रखा है, मसाले को ज़्यादा बारीक नहीं किया है। इसे अब हम साइड में रख दें। हमने यहाँ पर एक कढ़ाई में पहले से ही राई का तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। हमने तेल अच्छे से एकदम गर्म होने देना है, धुआँ आने तक का। देखिए, इसी कप से हमने एक कप भर के ले लिया था तेल। हमने तेल इसलिए ज़्यादा लिया है ताकि हमारी मिर्ची का अचार ख़राब ना हो। ज़्यादा तेल रहेगा तो मिर्ची का अचार ख़राब नहीं होएगा जल्दी। देखिए, आप देख सकते हैं हमारे तेल में अच्छे से धुआं आ चुका है। यहाँ पर अब हम गैस बंद कर देंगे। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें हमने जो लहसुन की कलियाँ ली थी। इसके बाद हमें इसमें हरी मिर्ची डाल देना है। हमने गैस बंद किया है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। हमने तेल को ज़्यादा गर्म इसलिए किया है ताकि तेल अच्छे से पक जाए, उसमें कच्चापन ना रहे। देखिए, हमने गैस बंद किया है तभी भी अच्छे से हमारी मिर्चें पक रही हैं। 2 मिनट बाद हम गैस को वापस से ऑन कर लेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर चला लिया है और गैस को ऑन भी कर लिया है। और हमने इसे मीडियम आँच पर 5 मिनट तक का पकने देना है अच्छे से। आप चाहें तो हाई फ्लेम पर भी 3 से 4 मिनट पकने दे सकते हैं। मीडियम आंच पर 5 मिनट, हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट पकने दें। देखिए, आप देख सकते हैं अच्छे से हमारे मिर्ची का अचार बन रहा है। ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनता है। इसमें हम डाल देंगे हमने जो पाउडर मसाले लिए थे। इसके बाद हम इसे चला लेंगे। इस अचार को हम दाल, चावल, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, या कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो लेके जा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ऑयली पसंद नहीं है, तेल ज़्यादा पसंद नहीं है, तो कम तेल डालकर भी बना सकते हैं। देखिए, हमारे मिर्ची का कलर जो है चेंज हो चुका है। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे वापस से चला लेंगे। चलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे हमने जो मसाले पीस कर रखे थे, सौंफ, धनिया वगैरह जो हमने पीसा था डाल देंगे। और यहाँ पर आँच हमें स्लो रखनी है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे नींबू का रस हमने जो लिया था। इसे डालने के बाद अच्छे से चला लेंगे। और चलाने के बाद हम इन्हें भी 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर पका लेंगे।
बहुत ही कम समय में टेस्टी सा और लाजवाब सा अचार तैयार होता है। इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। इस अचार को ज़रूर बनाकर खाएं। जो भी खाएगा उंगली चाटते रह जाएगा। देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं हाई फ्लेम पर पकते हुए। अब देख सकते हैं हमारे मसाले और मिर्ची भी अच्छे से पक चुकी है। यहाँ पर अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने पर सर्व करेंगे। और ये मिर्ची तीखी वाली नहीं थी, हमने बिना तीखी मिर्ची ली थी। आप चाहे तो तीखी मिर्ची भी ले सकते हैं। देखिए ठंडा हो चुका है हमारा अचार। इसे अब हम टिफ़िन वगैरह में निकाल लेंगे या किसी एयर टाइट कंटेनर में रख कर आप यूज़ कर सकते हैं। बिना फ्रिज के भी आप इसे कई दिनों तक का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो बनाकर फ्रिज में भी रख दें। हम यहाँ पर रख देंगे एक टिफ़िन में। तैयार है हमारा झटपट सा हरी मिर्ची का अचार। एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा है। देखने में जितना अच्छा है खाने में भी उतना ही टेस्टी और लाजवाब सा बनता है। और इसे आप दाल चावल के साथ या किसी भी भाजी के साथ सर्व कर सकते हैं। तीखी तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए आप देख सकते हैं इतना अच्छा और लाजवाब सा हमारी हरी मिर्ची का अचार बहुत ही कम समय में बनकर तैयार है।